सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने व्हाट्सएप की जो चैटिंग है उस पर आप बैकग्राउंड में अपने वॉलपेपर कैसे सेट कर सकते हैं और किस तरीके से आप उसे वॉलपेपर लगा सकते हैं। एक कॉन्टैक्ट पर और सभी ऑल कॉन्टैक्ट पर आपको वॉलपेपर अलग अलग भी लगा सकते हैं। दोस्तों, आप जान सकते हैं कि अलग अलग कॉन्टैक्ट पर अलग अलग वॉलपेपर आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को अपनी व्हाट्सएप ओपन कर लेनी है। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि जो मैंने अपने जो बैकग्राउंड है वो चैटिंग बैकग्राउंड है वो दोस्तों हमने कैसे किस तरीके से अपने जो वॉलपेपर है वो सेट किया हुआ है। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि हमने हमारा जो वॉलपेपर है वो चैटिंग का वॉलपेपर है वो दोस्तों किस तरीके से आपके सामने शो हो रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि काफ़ी कमाल का है। तो दोस्तों, आप अगर आप भी ऐसी लगाना चाहते हैं जो अपने चैटिंग पर बैकग्राउंड, दोस्तों सबसे पहले आप सभी को थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप सभी के सामने एक ऑप्शन मिलने वाला है जो कि दोस्तों वॉलपेपर का है। तो आपको सिंपली वॉलपेपर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद दोस्तों आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ बैकग्राउंड आ जाएंगे, तो आप वहाँ से अपने बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अपना बैकग्राउंड चूज करके, दोस्तों मैं अपना बैकग्राउंड यहाँ से कोई भी चूज कर लेना, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो जैसे दोस्तों मैं अपना ये बैकग्राउंड ये वाला ले लेता हूँ। तो इसके बाद दोस्तों आप सभी को यहाँ पर सेट वॉलपेपर पर कर लेना है। तो सेट वॉलपेपर पर करने के बाद ये दोस्तों हमारे जो वॉलपेपर है वो यहाँ पर लग चुका है। अगर दोस्तों आप सभी को अलग अलग चैट पर अलग अलग वॉलपेपर लगाना है तो दोस्तों वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको वॉलपेपर पर जाना है। तो दोस्तों, जो मेरा वॉलपेपर लगा हुआ है उसको पहले मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ से अपने वो रिमूव कर दिया था। इसके बाद फिर से मैं अपने वॉलपेपर क्लिक करता हूँ। तो वॉलपेपर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ से अपना कोई भी बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो बैकग्राउंड लेने के बाद तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि दोस्तों मैं अपने ये बैकग्राउंड लगाना चाहता हूँ अपने इसी कॉन्टैक्ट पर, और तो मैं यहाँ पर सेट वॉलपेपर करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए जाते हैं, दो ऑप्शन दिए जाते हैं जो कि दोस्तों फॉर दिस चैट का ऑप्शन है, जो ये दोस्तों अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये सिर्फ इसी नंबर पर जो चैटिंग वॉलपेपर है तो वो दोस्तों चैटिंग पर जो बैकग्राउंड है ये कॉन्टैक्ट पर लगने वाला है अगर आप इस पर कर देते हो। तो अगर दोस्तों आप से भी इस पर कर देते हो तो फॉर ऑल चैटिंग इन लाइट थीम, तो अगर दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप तो जो दोस्तों चैटिंग का जो बैकग्राउंड है वो सभी का सेम हो जाएगा, सभी कॉन्टैक्ट का सेम हो जाएगा अगर आप इस ऑप्शन पर करते हो। तो अगर दोस्तों आप इस ऑप्शन पर नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली आपका फॉर दिस चैट पर करना चाहते हो तो ये दोस्तों इसी कॉन्टैक्ट पर आपका जो वॉलपेपर है वो इसी कॉन्टैक्ट पर रहने वाला है बैकग्राउंड में, जो दोस्तों चैटिंग बैकग्राउंड है तो ये उसी पर शो करेगा। तो इसके बाद दोस्तों आप सभी को ओके कर देना। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने अपने व्हाट्सएप में अपने जो चैटिंग बैकग्राउंड है वो किस तरीके से हमने अपने चैटिंग बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। दोस्तों, ऐसे ही आप अपने अलग अलग कॉन्टैक्ट पर अलग अलग चैटिंग का जो बैकग्राउंड है वो आप अपने वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये दोस्तों वीडियो करते हैं समाप्त। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।